जय हिंद साथियों, 8 बज चुका है। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे मिलियन आर्मी स्टूडियो चैनल पर लाइव क्लास लेते हैं। तो आज भी हम आपका एकदम शानदार सा लाइव क्लास लेंगे, और आज के इस लाइव क्लास के अंदर जो हम आपको करवाएंगे एकदम शानदार सा लाजो आपका टॉप 25 प्लस इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का क्वेश्चन पेपर। अगर आप इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से ऑप्शन को सुनकर देखते हो मेरे दोस्तों, मान के चलना आपका यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन पक्का इंडियन आर्मी के एग्जाम में बन जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना है और अपना स्कोर जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना। और आज का टारगेट जो रहेगा, कम से कम आपको इस टेस्ट में 22 का सही जवाब देना है, 25 में कम से कम आपको 22 का सही जवाब देना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन प्लैनेट, यानी कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि ट्विन प्लैनेट के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जो जाना जाता है वो आपका शुक्र ग्रह को जाना जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो सबसे छोटा ग्रह जो होता है वो आपका बुध होता है, और सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो आपका बृहस्पति होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा उपग्रह होता है, तो आपका शनि ग्रह के पास जो होता है वो सबसे ज्यादा उपग्रह की संख्या होती है, इसको भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि भारत कोकिला इज द निक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि भारत कोकिला निम्न में से किसका उपनाम है। आपको बताना कि इन चारों में से किनका उपनाम है भारत कोकिला है। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भारत कोकिला उपनाम जो होता है वो आपका सरोजिनी नायडू का होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग हैं ऑप्शन नंबर डी लाइव चैट में बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है, तो गुरुदेव के नाम से जाना जाता है वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है, और महामाना के उपनाम से जाना जाता है वो आपका पंडित मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है, और देश बंधु के उपनाम से जो जाना जाता है वो आपका चित्तरंजन दास को जाना जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। फ्रॉम व्हिच स्टेट इज द निकोलिया टेस्ट साइट पोखरण लोकेटेड, यानी कि परमाणु परीक्षण स्थल जो होता है वो पोखरण किस राज्य में स्थित होता है। आपको बताना है परमाणु परीक्षण जहां पर होता है जिसका नाम है पोखरण, वो किस राज्य में स्थित होता है। आपको बताना है जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण जो होता है वो आपका राजस्थान राज्य में होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं लाइव चैट में उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द फेमस नेहरू ट्रॉफी इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट, यानी कि प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी जो होता है वो किस खेल से संबंधित होता है। आपको बताना है, क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीटेड हुआ है, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी का जो संबंध होता है वो आपका हॉकी खेल से होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी लाइव चैट में बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होता है, तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो होता है वो आपका क्रिकेट से होता है। ये क्वेश्चन भी दिलीप ट्रॉफी वाला पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इजरा कप का संबंध किस खेल से होता है, तो इजरा कप का संबंध जो होता है वो आपका पोलो से होता है, इसको भी ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लोकेटेड, यानी कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जो होता है वो कहां पर स्थित होता है, यानी कि किस देश में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड होता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जो होता है वो आपका इंग्लैंड देश में होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन नंबर ए लाइव चैट में बताया है उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेलबर्न जो है क्रिकेट खेल मैदान है वो कौन से देश में होता है, तो मेलबर्न जो होता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में होता है, इसको भी ध्यान रखना है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द फर्स्ट सैटेलाइट लिफ्ट बाय इंडिया, यानी कि भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा है। आपको बताना है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह जो होता है वो आपका आर्यभट्ट होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी लाइव चैट में बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ लिया था कि भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह जो कि आर्यभट्ट है वो कब छोड़ा गया था, तो आपका 1975 में छोड़ा गया था, इसको भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। वेयर इज चिल्का लेक लोकेटेड, यानी कि चिल्का झील जो होता है वो कौन से राज्य में होता है, यानी कि भारत के चिल्का झील जो होता है वो भारत के कौन से राज्य में स्थित होता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चिल्का झील जो होता है वो भारत के उड़ीसा राज्य में होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। चिल्का झील से एक क्वेश्चन और बनता है, सबसे खारे पानी की झील कहां पर है, तो खारे पानी की झील जो होता है वो आपका चिल्का झील है, इसको भी
भी ध्यान में रख लेना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सांभर झील कौन से राज्य में होता है, तो सांभर झील जो होता है वो आपका राजस्थान राज्य में होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे आठ नंबर क्वेश्चन की ओर। आठ नंबर क्वेश्चन भी शानदार, लाजो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो होता है वो आपका 1 मई को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए लाइव चैट में बताया है उनका बिल्कुल राइट है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, आप लोगों को बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज पिंक सिटी, जल्दी से बताना है कि गुलाबी नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है वो आपका जयपुर को जाना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी लाइव चैट में बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो भारतीय संविधान का जनक जो कहा जाता है वो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इन विच स्टेट रबर इज प्रोड्यूस मैक्सिमम इन इंडिया, यानी कि भारत में किस राज्य में रबर का अधिकतम उत्पादन किया जाता है, आप लोगों को जल्दी से चारों ऑप्शन को छांटना है और इसका राइट आंसर जो होता है आपका लाइव चैट में जल्दी से बताना है मेरे सभी फौजी भाई लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भारत में जो होता है सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन जो होता है वो आपका केरल राज्य में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। और चाय का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो आपका असम राज्य में होता है और दूध का जो होता है वो आपका यूपी में होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, उसने पूछा है कि टेबल टेनिस इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री, यानी कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल होता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो टेबल टेनिस जो होता है वो आपका चाइना देश का राष्ट्रीय खेल होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी लाइव चैट में बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल जो होता है वो कौन है, तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल जो होता है वो आपका आइस हॉकी होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विश्व ने पूछा है कि विच कंट्री इज कॉल्ड द पेशेंट ऑफ यूरोप, यानी कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मैंने काफी बार करवाया है तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और मैं आपको एक बात सच बोल देता हूं मेरे दोस्त, मैं जो आपको करवाता हूं एकदम रिपीटेड क्वेश्चन करवाता हूं जो कि आपके इंडियन आर्मी एग्जाम में पूछने का 100% चांस है। मैं आपको कोई भी एक्स्ट्रा या कुछ भी न्यू क्वेश्चन नहीं देता मेरे दोस्त, मेरे पास बहुत ज्यादा नोट्स है, मैं उसी में से आपको क्वेश्चन देता हूं मेरे दोस्त, ताकि आपका इंडियन आर्मी का एग्जाम एकदम अच्छे से क्लियर हो। जैसे इस बैच का पार हुआ आपका भी एकदम अच्छे से बैच पार होगा। आप बिल्कुल फ्री में पढ़िए, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा मेरे दोस्त। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हम आपको एकदम कंप्लीट इंडियन आर्मी की तैयारी करवा के दे देंगे मेरे दोस्त। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं देता हूं जो आपके इंडियन आर्मी के लेवल में पूछेगा, पूछा गया है, पूछने का चांस है, मैं उसी प्रकार का क्वेश्चन इंक्लूड करता हूं मेरे दोस्तों, आपको पता भी होगा। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यूरोप का मरीज जो कहा जाता है वो आपका तुर्की देश को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फैशन की नगरी किसे कहा जाता है, तो फैशन की नगरी जो कहा जाता है वो आपका फ्रांस को कहा जाता है और विश्व का चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है, आपका क्यूबा को जाना जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, लाजो आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो होती है वो आपका 250 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। 250 में 238 जो होता है वो आपका राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर चुना जाता है। और एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ जाता है कि राज्यसभा में सदस्यों की कितनी संख्या जो होती है जो राष्ट्रपति के द्वारा चुनी जाती है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को चुना जाता है, तो आपका 12 सदस्यों को चुना जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि रूबल इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री, यानी कि रूबल किस देश की मुद्रा है, आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो रूबल जो होता है वो आपका रूस देश का मुद्रा होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी लाइव चैट में बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंग्लैंड का मुद्रा क्या होता है, तो इंग्लैंड का मुद्रा जो होता है वो आपका पाउंड होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जापान का मुद्रा क्या होता है, तो जापान का मुद्रा जो होता है वो आपका येन होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो इसी तरह आप लोगों का शानदार सा 15 क्वेश्चन का जीके का टेस्ट खत्म हुआ, भरेंगे पार्ट बी जो कि आपका जनरल साइंस का होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द फिजिकल फेज ऑफ लाइफ कॉल्ड, यानी कि जीवन का भौतिक चरण क्या कहलाता है, आपको बताना है, जल्दी से बताइए
जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जीवन का भौतिक चरण जो कहलाता है वो आपका प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए लाइव चैट में बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बनेंगे 17 नंबर क्वेश्चन के, और 17 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देयर आर द नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन, यानी कि मानव में मांसपेशियां की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। तो मानव में मांसपेशियां की संख्या जो होता है वो आपका 639 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी लाइव चैट में बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की, और 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एनीमिया डिजीज इज रिलेटेड टू, यानी कि एनीमिया रोग किससे संबंधित होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए में आपका आंख है, बी में हृदय, सी रक्त, या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो एनीमिया रोग जो होता है वो आपका रक्त में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कॉन्जेक्टिव जो होता है और कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो कॉन्जेक्टिव बीमारी जो होता है वो आपका आंख से संबंधित होता है, इसको भी ध्यान रखना है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की, और 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द मेटल्स इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, यानी कि इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है आपको बताना है। ऑप्शन ए लोहा, बी मरकरी, सी चांदी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से लाइव चैट में बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी मरकरी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की, और 20 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं सभी भारतीय सेना को बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी जाकर के वीडियो को लाइक कर देना मेरे दोस्त। हम आपसे बार बार बोलते हैं, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है, आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा मेरे दोस्त, तो प्लीज आप जल्दी जाकर के वीडियो को लाइक कर देना, कम से कम यार दो दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा एक बात जरूर मान लेना मेरे दोस्त, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट बार बार बोलता हूं मेरे दोस्त, कम से कम आप दो बंदों के पास जरूर वीडियो को शेयर करना। तो देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल आर इंसिड इन वाटर, यानी कि निम्न में से कौन सा अधातु जो होता है वो पानी में डुबाकर रखी जाती है, आप लोगों को बताना है। इन चारों में से कौन सा अधातु आपको बताना है जो पानी में डुबाकर रखा जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की, और 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द पीयूष ग्लैंड लोकेटेड, यानी कि पीयूष ग्रंथि कहां स्थित होता है आपको बताना है। तो पीयूष ग्रंथि जो होता है, मैंने काफी बार बताया कि पीयूष ग्रंथि जो होता है वो आपका मस्तिष्क में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी लाइव चैट में बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की, और 22 नंबर क्वेश्चन भी एकदम शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कांसेप्ट लाइज, यानी कि न्यूटन का पहला गति का नियम किसकी संकल्पना देता है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए में ऊर्जा, बी कार्य, सी संवेग, या डी जड़त्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी जड़त्व बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की, और 23 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी से बताना है। पूछा कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है, यानी कि विच एलिमेंट इज नेसेसरी टू कीप टीथ हेल्दी, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दांतों को स्वस्थ रखने के लिए जो तत्व आवश्यक होता है वो आपका कैल्शियम होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं कैल्शियम उनका बिल्कुल राइट है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की, और 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय क्रेजी डॉग बाइट, यानी कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होता है। तो पागल कुत्ते के काटने से जो होता है वो आपका रेबीज होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन को, और लास्ट क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, यानी कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी परसेंट होती है आपको बताना है। तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है वो आपका 21% होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी 21% आपका ऑक्सीजन होता है, और नाइट्रोजन जो होता है वो आपका 78% होता है, और आर्गन जो होता है आपका 0.93% होता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आप लोगों का शानदार सा 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट पेपर खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप हमसे हर रोज पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, हम यहाँ पर आपको कंप्लीट इंडियन आर्मी की तैयारी करवा कर दे देंगे। तो प्लीज जल्दी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम आप दो बंदों के पास जरूर वीडियो को शेयर कर देना। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम दो बंदों के पास जरूर वीडियो को शेयर कर देना, अगर आपको जरूर पढ़ना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और जाते जाते सभी बच्चे एक एक लाइक जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।